राजधानी शिमला में होटल ढाबा मालिक मनमाने तरीके से लोगों से खाने के दाम वसूल रहे हैं। महंगाई बढ़ने से होटल ढाबा संचालकों ने भी दामों में वृद्धि कर दी है। चाय जो पहले 10 रुपए में मिलती थी, वह आजकल 15 रुपए में दी जा रही है। यही नहीं, खाने की थाली 70 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी है। इसके अलावा अन्य खाने की चीज़ों के भी दामों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि जिला प्रशासन खाने पीने की वस्तुओं के दाम तय करता है। जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अधिसूचना रेट बढ़ाने को लेकर जारी नहीं की गई है, लेकिन ढाबा संचालकों ने अपनी ओर से खाने के दाम लोगों से वसूले जा रहे हैं। जिला प्रशासन मनमर्जी के दाम ना वसूलने की चेतावनी तो देता है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी का कहना है कि ढाबों में खाने पीने के रेट समय समय पर तय किए जाते हैं और कोई ढाबा मालिक मनमाने दाम वसूल रहे हैं। इसके लिए फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारी समय समय पर औचक निरीक्षण भी करते हैं। हमारे ढाबे वगैरह जो है वो बेसिकली उनके रेट्स फिक्स किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको जैसे मालूम है कि कई चीज़ों के रेट बढ़े हैं, रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़े हैं, तो उनको भी जो है रेट्स बढ़ाने पड़े हैं। पर इसमें जो है जहाँ तक निगरानी की बात है, तो वहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के, वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते हैं और उनका रिव्यू भी जो है हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की बैठक में करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हमें ऐसा मालूम चला है कि लोगों ने जो है अपने हिसाब से रेट बढ़ाए, तो डेफिनेटली उसकी जो है इंस्पेक्शंस करवाई जाएंगी ढाबे वगैरह की। और अगर कहीं ऐसा पाया जाता है कि किसी ने मनमाने तौर पे रेट बढ़ाए हैं, तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी।